कोरोना के नियंत्रित होने के बाद इंदौर में कोरोना फिर से अपने पैर न पसारे, इसके लिए जनप्रतिनिधियों और भाजपा नेताओं द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इंदौर में जनप्रतिनिधि और भाजपा नेता व्यापारी और आमजन को जागरूक करने सड़कों पर निकल रहे हैं और सभी से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक आकाश विजयवर्गीय जिला न्यायालय पहुंचे और अधिवक्ताओं से मुलाकात की और कोर्ट की आगामी व्यवस्थाओं को लेकर उनसे चर्चा की। आकाश विजयवर्गीय ने बताया कि अधिवक्ताओं से चर्चा में उन्होंने बताया है कि जल्द ही न्यायालय में ऐसी व्यवस्था तय की जाएगी जिसमें न्यायालय परिसर में आने वाले सभी लोग वैक्सीनेटेड हो। आकाश विजयवर्गीय ने बताया कि न्यायालय परिसर में अधिवक्ता कोरोना को लेकर काफी सचेत है और जरूरी सावधानियां बरती जा रही है। आकाश विजयवर्गीय के अनुसार विधानसभा 3 में 50 ऐसी जगह चिन्हित की गई है जहां भीड़ ज्यादा रहती है। ऐसे क्षेत्रों में भाजपा कार्यकर्ता दौरा करते हैं और सभी से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील कर रहे हैं। वहीं जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं के अनुसार जिला न्यायालय में सभी अच्छे से कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, साथ ही आगामी दिनों में बहुत जल्द ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि यहां आने वाले सभी लोग वैक्सीनेटेड हो और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है उन्हें यही वैक्सीन लगाने के बाद ही न्यायालय परिसर में आने दिया जाएगा। देखिए अभी जो हम लोग जगह जगह दौरा कर रहे हैं उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि जब हम 15 तारीख से ऐसी इच्छा है माननीय मुख्यमंत्री जी की सभी जनप्रतिनिधियों की 15 तारीख से शहर खुले, मगर अभी जहाँ जहाँ भी थोड़ा थोड़ा खुला है वहाँ पे व्यवस्था कैसी चल रही है, कहाँ कुछ कमी तो नहीं लग रही है, वहाँ पे जो अपन सोच रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, सब मास्क लगा के आए, व्यापारी संगठन ये नियम बनाए कि सभी लोग वैक्सीन लगा करके आएंगे तो ही हम उन्हें एंट्री देंगे, तो इस प्रकार के नियमों का पालन हो पा रहा है कि नहीं यही हम लोग देख रहे हैं। अगर और मुझे बताते हुए खुशी है कि काफ़ी लोगों में जागरूकता है और सभी लोग स्वेच्छा से इन नियमों का पालन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है 15 तारीख से जो माननीय मुख्यमंत्री जी की शहर को खोलने की इच्छा है वो पूरी होगी, शहर खुलेगा और अब सुचारू रूप से हमारे सारी व्यवस्थाएं चलेगी। अपनी विधानसभा में 50 से अधिक स्थानों पर लगातार अभियान चल रहा है। हाँ, जैसा कि हमारे प्रभारी हैं उमेश भैया जन जागरण अभियान के, तो इन्होंने 50 स्थान हमारी विधानसभा में चिन्हित किए हैं। लगभग जहाँ पे थोड़ा रश होता है वहाँ पे हर जगह पर हमने दो दो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्हें समाज में लोग जानते हैं उनकी ड्यूटी लगाई है, वो लोग वहाँ पर सुबह से शाम तक दौरा करते हैं और कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो हो इन भीड़भाड़ वाले स्थानों पर इसकी चिंता करते हैं और अगर उनकी भी कोई समस्या होती है तो वो हमको बताते हैं और हम लोग उसका निराकरण करते हैं। कुल मिलाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि सबके साथ से सबका साथ लेकर के सबको साथ में लेकर के हम लोग कोरोना से लड़ाई करें, तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। मेरे जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है। हम लोग जब भी ऐसा करते हैं तो सभी जातियों के लोग सम्मिलित हों ऐसी कोशिश करते हैं, जब पार्टी में कोई पद देते हैं तो कि सभी जाति, ये बात तो है ही ना कि समाज हमारे देश में जातिवाद का जातिगत समीकरण का महत्व रहता ही है, तो सभी जाति के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं ताकि सभी जातियों के लोगों का उद्धार हो, सभी जातियों के लोगों तक पेनिट्रेशन हो। तो मुझे लगता है कि मेरे तो ध्यान में भी नहीं आया था ऐसा कोई मामला अभी आपने बताया, तो हम लोग जब भी कुछ ऐसे डिक्लेयर करते हैं टीम दाम तो जातिगत समीकरण का ध्यान रखते हैं कि सभी जातियों का इन्वॉल्वमेंट हो ताकि हमारी पेनिट्रेशन सभी जातियों में हो, सभी जातियों का कल्याण हो, सभी जातियों का विकास हो, सभी जातियों के लोगों का उद्धार हो। इसलिए तो अगर बाकी तो क्या विवाद क्या हुआ मुझे कोई जानकारी नहीं, कोई खास बात। ठीक है, देखिए बहुत दिनों के बाद कोर्ट खुली है, बहुत दिनों से लॉकडाउन में बंद थी, तो हमारे वकील सब परिवार के सदस्य जैसे हैं और शहर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, तो ये लोग सब ठीक तो है ना। सबसे पहले तो हम लोग इस उद्देश्य से आए थे कि इनके हालचाल पूछ लें और दूसरा कोर्ट में अब से व्यवस्था कैसी रहेगी इस पर भी थोड़ी इनके साथ चर्चा कर लें कि जो भी आए वो मास्क लगा करके आए,
सारे वकीलों का वैक्सीनेशन हो जाए, यहाँ पर एक वैक्सीनेशन सेंटर भी चल रहा है उसकी व्यवस्था दुरुस्त है, ये हम सुनिश्चित करने आए थे। साथ ही बहुत ही अच्छा लगा इन लोगों से चर्चा करके, इन्होंने खुद ने स्वेच्छा से ये विचार किया है सभी वकीलों ने मिलके कि हम जल्द ही एक ऐसा नियम भी बना रहे हैं कि कोर्ट में एंट्री ही उसी को मिलेगी जिसे वैक्सीन लगा हो। तो ये इसके लिए मैं सभी वकील भाइयों को बधाई देता हूँ। ये लोग आदेश भी जारी करेंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को प्रचारित भी करेंगे, इन्होंने खुद ऐसी मंशा जाहिर की है। तो मुझे बहुत खुशी है हमारे वकील भाइयों की जागरूकता देखते हुए, और ये लोग भी सब ठीक हैं और कोरोना को लेकर के सचेत हैं, ये देखकर मुझे अच्छा लगा। मैं इन्हें और इनके माध्यम से पूरे डीजे साहब से शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वे अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, और अभी हमने डीजे साहब से भी मुलाकात की, वो भी इनसे जो इनकी सोच है वैसी ही उनकी भी सोच है, वो भी कोरोना को लेकर के इसी मूड में काम करने के इच्छुक हैं, इसी मोड में काम करने के इच्छुक हैं। तो मुझे लगता है कि जब थोड़ा रश चालू होगा, जैसे जैसे शहर खुलेगा रश चालू होगा, उसके बाद भी कोर्ट प्रेमाइसेस सेफ रहेगा, ऐसा इनकी जागरूकता को देख के मुझे लग रहा है। देखिए, कोरोना काल में सभी लोग एक दूसरे से दूर रहे थे, तो अब हम लोगों में आपसी प्रेम इतना रहता है, हम लोग पार्टी को परिवार मानते हैं, और मानते ही नहीं पार्टी हमारा परिवार है भी, ये इस मेल मिलाप से पता चलता है। जैसे ही थोड़ा बहुत अवसर मिल रहा है, लोग एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सब दिल से हो रहा है, इसका कोई ऐसा नहीं है कि किसी लाभ के कारण ये सब हम लोग कर रहे हैं। जैसे मैं आज यहाँ पर आया हूँ तो ये सब हमारे परिवार के लोग हैं, मेरे बड़ी एक्साइटेड था मैं भी कि यार इन लोगों से महीने बाद मिलना हो रहा है, तो मेरे मन में बड़ी उत्साह था कि अपने परिवार के लोगों से मिल के मैं जैसे अब मेरे क्षेत्र में जाने की मेरी बहुत दिनों से इच्छा हो रही है कि जाके लोगों से हालचाल पूछूं, क्योंकि अब कोरोना में हम लोगों ने अवॉइड किया, तो ये हमारा जो प्यार है आपस का, ये हमें मेल मिलाप करवा रहा है। हमारे क्षेत्रीय हमारे अपने 3 नंबर क्षेत्र में ही ये अपना कोर्ट आता है, और कोर्ट परिसर के अंदर आज उन्होंने घूम करके भाई जिस प्रकार से यहाँ की व्यवस्था देखी है, पहले से कोवैक्सीन और इनका वैक्सीन का कार्यक्रम चल रहा है, और डीजे जी के माध्यम से श्रीमान जी जज साहब के आदेश अनुसार सब यहाँ पर पूर्ण रूप से इस कार्य को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। सभी एडवोकेट बंधु इसमें संलग्न है। आदरणीय विधायक महोदय जी आए थे और उन्होंने यहाँ की व्यवस्था देखी, और कुछ जो कमी बेसी थी उन्होंने यहाँ बैठकर उसको पूरी करवाई। सब प्रकार की व्यवस्था करने का उन्होंने सभी अधिकारियों से फोन लगाकर चर्चा करके और घूम कर हर व्यक्ति से शुभेच्छक पूछा उनसे, और उनकी व्यवस्थाओं में संपूर्ण रूप से उन्होंने सहयोग करा। आगामी दिनों में यह है कि कोर्ट परिसर के अंदर किसी भी हालत में जो बगैर वैक्सीन लगाए कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आएगा, यह निश्चित हम लोगों ने प्रण कर लिया है। यह 10 से 12 दिन 8 दिन के अंदर हम ये प्रक्रिया चालू कर देंगे। सभी पर लागू रहेगी यहाँ पे आम आदमी या वकील जो भी हैं, सभी पर लागू रहेगी। जो भी आएगा यहाँ पे उसको वैक्सीन लगाकर आना अनिवार्य रूप से है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी स्थान है जहाँ पर यहाँ से बीमारी सब दूर फैल सकती है। और मेरा परिचय, मैं इंदौर अभिवासन संघ का पूर्व अध्यक्ष दिनेश पांडे गुरु।